हेलो जी वंडर्स पहाड़ी के एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो हम आए हैं अमृतसर में, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे आया हूँ। और अभी तक हम बाघा बॉर्डर होके आ गए थे, तो करीब 6 बजे करीब हम वहाँ से निकले थे, तो 7-7:30 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ से हमें टेम्पल को जाना है। तो बाकी हमने होटल लिया है, फ्रेश व्रेश हम हो चुके हैं और अभी फिट 9:30 बज रहे हैं अभी। तो अभी हम निकलने वाले हैं गोल्डन टेम्पल के, क्योंकि हम सोच रहे थे अभी रात को थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं और कल भी हमारा स्टे यहीं है। कल रात की हमारी ट्रेन है 9:30 बजे की, वही अमृतसर एक्सप्रेस। तो उससे पहले हम कल दिन में भी थोड़ा सा विजिट कर लेंगे टेम्पल को। और अभी रात को वहाँ का ना बहुत सुंदर दिखता है, मैंने जितने भी रील्स वीडियोज़ देखे ना उसमें बहुत सुंदर लगता है। तो हम भी अभी विजिट करने वाले हैं। और जो वहाँ पर लंगर होता है तो वहाँ पर हम अभी लंगर का जाने वाले हैं। लंगर में भी वहीं से खाना खा के आएंगे और काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि जो दूर से वो दिखता है ना टेंपल, कसम से। तो भाई लोगों एक्साइटेड है, सभी फ़ोन पे बिजी हैं। एक्साइटेड प्रशांत भाई, तुम बोलते नहीं हो यार, आप एक्साइटेड हैं कि नहीं है? लगते ही नहीं आप, बस मंडी ला देते हैं यार। क्या यार गंगू? अरे भाई बिल्कुल एकदम चलेंगे हम भाई के साथ, आपके साथ, वंडरलैंड पहाड़ी के साथ। मजा आने वाला है। अभी हम चलते हैं पहले अपने होटल रूम से, और यहाँ से ऑलमोस्ट 100 मीटर या 200 मीटर की डिस्टेंस पे, तो हम अभी निकलते हैं और वहाँ जाके आपको दर्शन करवाते हैं गोल्डन टेम्पल के। ऑल्सो होटल के पास जो हमें रूम मिला है, वी गॉट दिस ओनली इन 500 रुपीज़। और बल्कि बाघा बॉर्डर से भीड़ आ रही थी ना, और यहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर है भाई हमारे रूम से। आगे हमारे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है और यहाँ से व्यू है। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा टेंपल, और वहीं पर आगे जलियांवाला बाग कांड है जहाँ हम सुबह विजिट होके आ गए थे। तो अभी निकलते हैं अभी यहाँ से बस। हेलो जी, ये है अगला दिन। कल 26 जनवरी था और आज है 27 जनवरी। कल बहुत भीड़ थी और स्वर्ण मंदिर हम गए थे रात को, मैं आपको इतने ज़्यादा विजुअल दिखा नहीं पाया क्योंकि हम खुद बहुत ज़्यादा थक चुके थे। लंगर से खाना वाना खा के हम वापस आ गए थे। बाकी 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है और उस टाइम पे दर्शन नहीं कर सकते। उसके बाद सुबह 2:30 बजे दर्शन के लिए खुल जाता है। अभी हम फ्रेश हो चुके हैं, सुबह 11 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट हम काफ़ी लेट उठे हैं, पर अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं और एकदम हम सब रेडी हो चुके हैं। प्रशांत भाई यहाँ से बाहर के नज़ारे देख रहे हैं अभी, और कल के बजाय आज भीड़ कम लग रही है थोड़ा सा, तो ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है हमारे होटल से, तो मज़ा आ गया रात को यहाँ पर। बाकी विकास भाई आप रेडी हो चुके हैं, चल रहे हैं गंगा? यस ब्रो। बैग वैग भी हमारे पैक हो चुके हैं और अभी हमें रूम भी चेकआउट करना है अपना, तो 12 बजे चेकआउट हो जाता है, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो अभी हम पूरा मंदिर में रहने वाले हैं और रात के 9 बजे की हमारी ट्रेन है, तो उससे पहले अभी दर्शन करते हैं हम मंदिर में जाके। प्रशांत भाई क्या बता रहे हैं? अच्छा भीमराव जी को दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नजारा दिखा रहा है। यहाँ पर म्यूजियम भी है और वहाँ पे छोटी सी ट्रेन भी मुझे दिखाई दे रही है। बाकी अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए स्वर्ण मंदिर, बाकी रेडी हो चुके हैं, बैग वैग भी लेके जा रहे हैं। वहाँ पर जूते खोलने, बैग रखने, सब चीज़ का बहुत बहुत प्योर व्यवस्था है भाई, मज़ा आ गया वहाँ का जो मैनेजमेंट है ना देख के, तो बहुत ज़्यादा। अभी चलते हैं आपको भी दर्शन करवाते हैं वहाँ पर, क्योंकि हम आए थे थर्सडे और फ्राइडे को तो भीड़ काफ़ी कम रहती है, तो होटल्स वगैरह भी सही मिल जाते हैं। बाकी सैटरडे और संडे को काफ़ी रश रहता है, तो रूम्स वगैरह भी महंगे मिलते हैं, नॉर्मली 1000-1200 रेट रहता है। बस ये है कि आपको बजट ट्रैवलिंग में ये देखना पड़ता है कि आप किस तरह से बार्गेनिंग कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी चीज़ें। बाकी अभी हम निकलते हैं आगे, वो फिलहाल वॉकिंग डिस्टेंस से हम होके आ गए हैं, तो वहाँ से मंदिर के अंदर एंट्री है मंदिर के, और इस साइड पे जाके यहाँ पर हमारे जूते वगैरह जमा होते हैं और अपना सामान भी आप यहाँ पर एकदम फ्री में जमा कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएँ लॉकर्स की एकदम फ्री होती हैं, और आज भी काफ़ी भीड़ दिख रही है दिन में। वहाँ से एंट्री होती है, और एंट्री होते ही जो आपको सबसे पहला व्यू दिखाई देता है ना सामने, वो दिखाई देता है गोल्डन टेम्पल का, और इतना सुंदर ये लगता है वर्ड नहीं रहता है।
पूरे पानी चारों ओर इसके यार। और उसके बाद और वहाँ पर ना शायद नहा भी रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे अगर हम भी नहाएं इस शुद्ध जल में यहाँ के। कितना सुंदर ये लग रहा है यार। जब आप रात को अगर यहाँ पर भी रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा है रुकने की व्यवस्था है, और रूम्स वगैरह भी हैं। वो कभी कभार अलॉट नहीं होते हैं, शायद 100 रुपये चार्ज वगैरह उनका। बाकी ऐसे यहाँ पर अपनी कंबल लेके लेट सकते हैं। तो अभी हम आए हैं लंगर के लिए, और यहाँ पर थालियाँ प्लेट वगैरह मिलती है, उसके बाद अंदर ही लंगर होता है। ये सबसे भारी टर्बन, ये हमें पहले भी कॉलेज टाइम पे मिल चुके हैं, उस टाइम की फ़ोटो है मेरे पास इनके साथ, और आज ये फिर मिले हैं हमें यहाँ पर। चले जा भाई। तो गाइस पूरे 1.5 घंटे वेट करने के बाद और लाइन में लगने के बाद पूरे दर्शन करके आ गए हम गोल्ड टेंपल के। अब बहुत सुंदर भाई, बहुत देर तक दर्शन करके आए, बहुत टाइम तो नहीं लगा, 1.5 घंटे लगा जिस हिसाब से। लाइन लंबी सी है, काफ़ी लोग इधर से लेके वहाँ पर जा रहे थे, और लास्ट में हम प्रसाद लेके आ गए। यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है, वहाँ जाके अंदर ना और मज़ा आता है, बहुत अच्छा सा फील होता है, और इतनी शांति है ना इस जगह पर। धीमे धीमे वाहेगुरु जी का गाना बजता रहता है, जो प्रार्थना चलती रहती है, और बहुत सुंदर। फिलहाल अभी तक कुंड में मछलियाँ दिखाई नहीं दी थी, थोड़ा बहुत हलचल दिखाई दे रही, तो देखते हैं मछलियाँ हैं या नहीं। फिलहाल मछलियाँ दिखाई तो नहीं दे रही है, कल भी दिखाई नहीं दी थी, पर यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है। तो जी अभी आए हम इस जगह पर अमृतसर में, जहाँ पर मिलती है 5 रुपये की कोल्ड ड्रिंक, जो आप 10-15 रुपये की पीते हो ना मार्केट में, 15 से 20 रुपये की हमारी साइड, वो यहाँ पर मिलती है 200 ml बस 5 रुपये में। तो हम सब आए थे यहाँ पर, और YouTube पे ना बहुत सारी वीडियोस आपने इसकी देखी होगी, यहाँ पर मिलती है 5 रुपये की पेप्सी। पेप्सी का मतलब जो भी कोल्ड ड्रिंक आप पीना चाहो। वीडियो एक पिला दीजिए जरा। कितने रुपए की है? 5 रुपए की। बाहर हम पीते हैं उत्तराखंड में 20 रुपए की। यहाँ गुरुद्वारे की तरफ से टैक्स नहीं पड़ता। ठीक है, इस वजह से हमें यहाँ मिलती है 5 रुपए की। जहाँ पे बनती है वहाँ से डायरेक्ट आती है, सीधा फैक्ट्री से आती है जी यहाँ पे। तो ये रीजन है यहाँ पर 5 रुपए की पेप्सी मिलने का, 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मिलने का, बहुत ही ज़्यादा फेमस है यूट्यूब पर। आपने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो देखी होंगी यहाँ की, और यहाँ पे मिलती है 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली ये आती है फैक्ट्री से। यहाँ पर जो सामने वाली बिल्डिंग है वहाँ पर लंगर चल रहा है, और वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है। तो जब आप इस साइड को आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको रूम्स वगैरह मिलते हैं, तो जो रूम्स मिलते हैं वो अलग अलग रेट पर यहाँ पर है, 200, 400, 500, 700। और ये फिर से हमें बाबा जी मिले, जिनकी सबसे भारी टर्बन है, सबसे भारी पगड़ी। तो फिर यहाँ पे जब मिलता है ना, 100 रुपये के गद्दे आपको गंगा निवास है वहाँ पर मिलते हैं, और इस साइड का नाम मुझे बता नहीं, पर यहाँ पर भी मिलते हैं। वहाँ पर आपको 100 रुपये के गद्दे दिए जाते हैं, कंबल भी आपको कभी कभी दे दी जाती है। बाकी यहाँ पर लगेज हाउस और शूज हाउस यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। बस कभी कभी वो आपको पहले लोगों को पहचानने की उससे ना रूम देने की कोशिश करते हैं कि रूम देते हैं, पर आपको एक ही बात बोलनी है कि नहीं हमें गद्दे चाहिए, तो वो फ्री अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। और यहाँ से कितना सुंदर व्यू है। तो फाइनली गाइज मंदिर से हम होके आ गए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे लिए ना पूरा दिन कम पड़ गया। लाइक अभी 6:30 बज रहे हैं, और 9 बजे की हमारी ट्रेन है, तो अभी हम अपने लगेज वगैरह वापस लेने आए हैं यहाँ पर, जो विकास भाई और प्रशांत भाई ले रहे हैं। बाकी यार क्या वाइब्स हैं यहाँ की, क्या व्हाट अ प्लेस, मतलब मन ही नहीं कर रहा जाने का, हमारा पूरा दिन इस पे लगा दिया। लाइक मेरे दोस्तों को कॉल आ रहा है कि यार तूने पूरा दिन वहाँ कर दिया, भाई कम पड़ गया है पूरा दिन भी हमारा, कैसा रहा गंगा? आने का मन नहीं कर रहा था भाई, बहुत अच्छी वाइब्स है, और रात को ना और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। फिलहाल अपने लगेज वगैरह ले लेते हैं, बैग्स, और फिर निकलते हैं हम यहाँ से, थोड़ा सा मार्केट को घूमते हुए, शॉपिंग वगैरह करते हुए हम निकलते हैं यहाँ से अपने रेलवे स्टेशन के लिए। तो फिलहाल अभी हम मार्केट में घूम रहे हैं, और आप जो पीछे मेरे पीछे बस देख रहे हैं ना, ये आई थिंक यहाँ की गवर्नमेंट बस है, जो आपको अटारी बॉर्डर लेके जाती है, 315 रुपए का इसका टिकट रहता है। और फिलहाल हमें
रोड को एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ के मार्केट को, और यहाँ के जो होटल्स हैं ना वो भी बहुत प्यारे हैं और सबसे उतने महंगे नहीं हैं मंदिर के पास के भी। और एक दो चीज़ें हैं जो आपको मंदिर में ध्यान रखनी होती है, जैसे आपके सर के वो है ना रुमाल होता है, तो आपको इसको वहाँ पर जाके बांध के पहने रखना होता है, इसे उतारना नहीं होता है। और मंदिर के साइड आप पीट करके नहीं बैठते हैं, बाकी जो वहाँ के वीडियो होते हैं ना जो वहाँ के सिक्योरिटी वाले होते हैं वो आपको हर चीज़ पर टोकते हैं, कई बार वो फ़ोटोज़ लेने से मना करते हैं, कई के फ़ोन पकड़ के डिलीट करते हैं। मोस्टली मैंने देखा है जो वीडियोज़ बनाते हैं ना वो उससे वो डिलीट करवाते हैं। बाकी नहाने के लिए सही होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पर। और आज हम वापस आ चुके हैं, कल हम ट्रेन में बैठ गए थे, कल बहुत थकान लग गई थी यार। बैठने के बाद हमने काफ़ी बातचीत वगैरह की, 12 एक बजे तक हम बात करते रहे, उसके बाद हम सो गए क्योंकि हमारी वजह से औरों को भी डिस्टर्ब हो रहा था। बाकी अभी हम पहुंच गए हरिद्वार के पास, हरिद्वार भी ऑलमोस्ट नहीं पहुंचे, ज्वालापुर के पास है, और यहां पर आधा घंटे का ब्रेक आई थिंक ट्रेन का। पीछे ये वाली हमारी अमृतसर एक्सप्रेस, और सुबह हो रही है, प्रशांत भाई ट्रेन में ही बैठे, बाकी हम चाय पीने वा रहे हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं देहरादून और यहां पर एंड होती है हमारी एक ब्यूटीफुल सी ट्रिप। तो रिव्यू ले लेते हैं हमारे दोस्तों से, कैसा लगा भाई ट्रिप पे आपको? पानी 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 ऐसा लगा भाई पूरे ट्रिप में, बहुत मजा। और आपको? बहुत ही मजा। अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार जरूर आना लाइफ में, हो सके तो हर साल आओ। हाँ, और प्रशांत भाई इस बार तुम्हें ब्रीफ में बताना है, डिस्क्राइब करके बताना है कैसा लगा। ये आपने डिस्क्राइब करा है बहुत बढ़िया, नहीं कुछ एक्सपीरियंस बताओ अपना, मतलब क्या था वहाँ पर, क्या आपको सबसे बेस्ट लगा? सब कुछ सब कुछ बेस्ट था। चलो ठीक है गाइस, इतना ही था, बाकी बहुत शानदार ट्रिप थी, आपको भी एक बार जरूर जाना चाहिए। हमने आपको बताया बजट में कैसे रहना है, बाकी आप एक्स्ट्रा खर्चे कर सकते हैं। हमारे हम तो बजट में रहे, पर जो ये है ना ये इसने हमारा एक्स्ट्रा पे करवाया खाने की वजह से। ट्रेन में हर स्टेशन पे इसको बर्गर चाहिए था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाई।